नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A12 versus Vivo Y12G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A12 में 6.46 इंच जबकि Y12G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो A12 में 2.98 इंच जबकि Y12G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A12 में 0.35 इंच जबकि Y12G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A12 में 205 ग्राम जबकि Y12G में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A12 में TFT LCD जबकि Y12G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A12 में 6.5 इंचेस जबकि Y12G में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A12 में 82.06% जबकि Y12G में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y12G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A12 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y12G की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A12 में पावर GE8320 जबकि Y12G में Adreno 505 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A12 में MediaTek Helio P35 और Y12G में Qualcomm Snapdragon 439 मिलता है। बात करें RAM की तो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y12G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y12G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A12 में अप टू 1TB जबकि Y12G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A12 में Android V10 Q जबकि Y12G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A12 में 3 कलर्स जबकि Y12G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 12,670 रुपीस, 4 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,450 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y12G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3 गीगाबाइट रैम 32 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 10,699 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A12 में 2 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y12G की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A12 आगे है, मेन कैमरा में A12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है, दूसरा Samsung Galaxy M02s है, तीसरा Vivo Y21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y33s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।